अब इस पांचवी श्रृंखला में हम विद्यार्थियों के लिए बताएंगे कि जिनके घर में विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे जो कॉलेज इत्यादि पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनका पढ़ाई में मन लगे और अच्छे नंबरों से वो पास कैसे हों। कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ते लेकिन उनको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बार बार। परीक्षा में जब जाते सब कुछ पढ़ के गए उस समय याद है, लेकिन जैसे परीक्षा हाल में जाते पढ़ लिखने के लिए बैठते हैं प्रश्न पत्र और वो भूल जाते हैं। तो उनको क्या काम करना चाहिए कि वो सफल हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, मैं आचार्य पंडित ग्रीश बारोलिया। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला सूत्र है कि उनको ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही रियाज करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की हुई साधना, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ किसी प्रकार का भी रियाज, और ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए वो जो उस समय जो पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है, वो फिर वो कभी नहीं भूलते। इसलिए जहां तक संभव हो विद्यार्थियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। सोकर उठ करके सुबह जल्दी उठें, मुंह हाथ धो लें, कुल्ला कर लें, ब्रश कर लें, और उसके बाद साथ आप पढ़ने बैठें। उस समय जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जो आपकी टेबल है उसको आपको इस प्रकार से रखना चाहिए कि पढ़ते समय आपका मुंह जो है पूर्व या उत्तर की ओर हो या ईशान्य कोण में हो, तो फिर आप जो भी चीज पढ़ेंगे वह आपके लिए जल्दी से जल्दी याद होगा। हल्दी का तिलक करना चाहिए बच्चों को, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो आलस्य करते देर से सोकर उठते, उनको एक छोटा सा प्रयोग हम बता रहे हैं, उसको यदि वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जब सूर्य उदय होता है उस समय उस बच्चे को क्या काम करना चाहिए, कपड़े को पीला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक पीले कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लें और उसको गीला करके अपने मस्तिष्क पे इस प्रकार से लपेट लें, और जब सूर्य उदय हो रहा है उस तरफ इस प्रकार से हाथ करके तीन बार ओम का उच्चारण करें इस प्रकार से। ओ इस प्रकार से तीन बार ओम का उच्चारण करें, फिर दोनों हाथों को रगड़ लें और फिर उसके पश्चात में पूजा स्थली पर बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, और फिर जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर चुके तो फिर अपने दोनों हाथों को सूर्य की तरफ करें जिस प्रकार से आप अग्नि तापते हैं, और फिर वहां पर जो है आप 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करके और हाथों को रगड़ लें, अपने मस्तिष्क पर लगाएं, आंखों में लगा लें, तो निश्चित रूप से कितना भी मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा, छात्र होगा, उसको जो भी पढ़ेगा वो याद होने लगेगा और फिर उसके लिए जो है कभी भी वो फेल नहीं होगा। जब बच्चा स्कूल जाता है या परीक्षा देने जाता है तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उसको लेकर के जाना चाहिए, गाय की उसको सेवा करनी चाहिए। जो विद्यार्थी माता पिता गुरु की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी असफलता नाम की चीज नहीं रहेगी। तो ये विद्यार्थी लोग यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता।